आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में पिवट टेबल में हम बात करेंगे ग्रुपिंग, सॉर्टिंग, फिल्टर एंड मूविंग के बारे में। तो मैं इंसर्ट टैब पे आता हूँ और पिवट टेबल लगाता हूँ। पिवट टेबल लगाने के बाद जैसे कि मान लीजिए कि मैं सेल्स मोड और यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को रख दिया। अब मान लीजिए मुझे सबसे हाईएस्ट का ऊपर रखना है, तो राइट क्लिक कर आप यहीं से शॉर्ट कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट एंड हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस तरह से कर सकते हैं, राइट। अगर हम सेल्स मोड हटा के यहाँ पे नेम को यहाँ रख देते हैं तो आप देखेंगे नेम बाय जाते हैं। नेम और सेल्स मोड अगर दोनों नहीं रखे हम इसके नीचे, तो अब यहाँ पे क्या है कि दो है। तो अगर मान लीजिए कि ये जो हमारा है वो सेल्स मोड है और यहाँ नेम है, तो मैं नेम के आगे कर्सर रख के अगर शॉर्ट करूँगा तो मेरा नेम शॉर्ट होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे शॉर्ट रखूँगा माने आपके सेल्स मोड के, तो सेल्स मोड हमारा शॉर्ट होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कॉलम वाइज डेटा है तो आप कॉलम वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट एंड लोएस्ट टू हाईएस्ट, यहाँ से ए टू जेड और जेड टू। तो रो एंड कॉलम दोनों में शॉर्टिंग चलता है, लेकिन हमें बात करना है मूव की। जैसे कि शॉर्ट जब हम करेंगे तो अपने हिसाब से अपना पोजीशन लेगा। मैं चाहता हूँ मैं अपने हिसाब से शॉर्ट करना, तो शॉर्ट पे क्लिक कीजिए जेड ए टू जेड या जेड टू ए। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने मूव पे क्लिक किया, शॉर्ट ना करके मैंने मूव पे क्लिक किया, तो अपने हिसाब से मैं बोलता हूँ सबसे एंड में आ जाए, या फिर मैं बोलता हूँ रिफिल जो है वो ऊपर चला जाए। तो इस तरह से अपने हिसाब से मैं रो एंड कॉलम को मूव कर सकता हूँ। इसको भी चाहो तो मूव कर सकता हूँ कि मुझे बिगनिंग में चाहिए तो मूव, और यहाँ पे हमने बिगिंग कर दिया तो स्टार्टिंग में आ गया। तो शॉर्ट जो हुआ वो वैल्यू के हिसाब से या करेक्टर के हिसाब से अपने हिसाब से जगह लेगा, और आपका मूव जो हुआ वो आपके अपने इसके अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। मूव करने के लिए राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर इसको इस तरह से उठा के मूव कर सकते हैं मैनुअली। अब मूव के बाद आता है फिल्टर का। जैसे हमने यहाँ रख दिया सिटी, यहाँ पे सिटी रखता हूँ एक मिनट। तो यहाँ से हमारे पास दो तरह के फिल्टर है, पहला है कॉलम फिल्टर, रो फिल्टर एंड कॉलम फिल्टर। तो हम रो फिल्टर की बात करते हैं। मुझे कुछ सिलेक्टेड सिटी का डेटा देखना है, तो जिस सिलेक्टेड सिटी का डेटा देखना है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, आपका उसी पर्टिकुलर सिटी का डेटा आएगा। लेकिन मुझे कंडीशन देना है कि मुझे दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों देखना है। तो यहाँ हमने क्या किया, दो चीज़ें, एक लेवल फिल्टर, दूसरा वैल्यू फिल्टर। जो लेवल फिल्टर है वो आपके जो सिटी है इसके ऊपर वर्क करेगा, और जो आपका वैल्यू फिल्टर है वो आपका इस वैल्यू के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने लेवल फिल्टर में किया यहाँ पे कंटेन दिल्ली, यहाँ देखिए न्यू दिल्ली और दिल्ली दोनों का डेटा आपको शो कर रहा है। देखिए मुझे सेल चाहिए मान लीजिए ग्रेटर दैन 1000। अब मैं यहाँ पे वैल्यू फिल्टर पे आया और यहाँ पे हमने दे दिया इज ग्रेटर देन 1000, ठीक है। तो ये आपका टोटल पे लगा, किस पे लगा, टोटल पे। एक पर्टिकुलर कॉलम पे आपका नहीं लगता है, टोटल पे चलता है। यहां से क्लियर कीजिए। जैसे मुझे मान लीजिए टॉप 10 लेना है, तो वैल्यू फिल्टर पे आऊंगा टॉप 10, और यहाँ पे 10 की जगह पर अपने हिसाब से कुछ भी रख सकता हूँ, देन ओके। तो टॉप और जो 10 वैल्यू है वो आपके यहाँ पे दिख गई। इस तरह से आप कॉलम की फिल्टर भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपका कॉलम है आप यहाँ से लीजिए। आप लेवल फिल्टर करेंगे तो ये आपके ये नेम अकॉर्डिंग आएगा, और आप वैल्यू फिल्टर करेंगे तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो आएगा। जैसे मैंने ग्रेटर देन 1000 कर दिया।
अब इसमें आगे बढ़ते हैं पेज फिल्टर के। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे साइट को फिल्टर में रख दिया, इसको पेज फिल्टर कहा जाता है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अगर आईपीटी इंडिया सेलेक्ट किया तो पूरा का पूरा रिपोर्ट हमारा आईपीटी इंडिया के अकॉर्डिंग ही आएगा। अब कुछ भी लेते हैं, मैं यहाँ पे सुजीत कुमार सेलेक्ट करूँ तो सुजीत कुमार का आएगा। तो जो पेज फिल्टर होता है ओवरऑल पीवर्ड को फिल्टर करता है। तो फिल्टर समझ में आ गया, फिल्टर में कोई डाउट है? तो हमने मूवी सॉर्टिंग एंड फिल्टर तीन चीजें कर ली, चौथा आता है ग्रुपिंग। चलिए ग्रुपिंग को देखते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए नेम को लिया और नेम को यहां रख देता हूं। अभी है क्या कि हमारा टीटू, मोहन एंड योगेश तीन जो है ये हमारा इनहाउस ट्रेनर है, इनहाउस माने सेलर है। तो मैं चाहता हूँ कि इन तीनों यहाँ पे इनहाउस लिखा हुआ है, सिर्फ इनहाउस। तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे आता हूँ ग्रुप, और यहाँ देखिए ग्रुप में आप यहाँ तीनों इकट्ठा हो गया, और आप यहाँ पे अपना हिसाब से इनहाउस जो लिखना चाहो लिख सकते हो। और फिर आप दोनों दिख रहा है तो यहाँ से नेम और नेम टू दिख रहा है, तो नेम को हटा दीजिए, ये आपका इनहाउस आ गया। तो जिसको भी करना है उसको आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लें, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके ग्रुप कर दें, आपका ग्रुप हो जाएगा। दूसरा मान लीजिए क्वांटिटी नंबर की बात करें तो ये क्वांटिटी को मैंने रख दिया रो में, और यहाँ देखिए कि 10 क्वांटिटी की 1160 ऑर्डर आया है, 11 क्वांटिटी की 1565 आया। तो मुझे इस तरह से 10 11 12 नहीं देखना, एक स्लैब देखना है 10 से 20 20 से 30 ऐसे स्लैब देखना है। नंबर पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ग्रुप पे आए, और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम ऑटोमेटिक आ जाता है, आप इसको चेंज कर सकते हो और इसको भी चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं 10 रख देता हूँ कि 10 के अकॉर्डिंग चले, और आप ओके कीजिए। अब देखिए 10 19 20 29 ऐसे 10 10 का स्लैब आ गया। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेट फिल्टर। अब जैसे ये मान लीजिए कि हमने अपना डेट, जैसे कोई डेटा में डेट है, अगर डेट को उठा कर रो में रखोगे तो कुछ इस तरह से आता है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से ग्रुप करना है तो इसको आप कर दीजिए अनग्रुप। अनग्रुप करते हैं ये आपका डेट आ जाएगा। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और कीजिए यहाँ पे ग्रुप, और ये ग्रुप के अंदर में जो आप जो है क्या चाहिए, मंथली चाहिए, मंथली आ गया। मुझे चाहिए मंथली और क्वार्टरली दोनों चाहिए, तो मंथ और क्वार्टर दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। तो दो या दो से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते, लेकिन मुझे मंथ और क्वार्टर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 15-15 दिन का। तो मैं डेज को सेलेक्ट करूँगा, बाकी को अनसेलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ देखिए नंबर ऑफ डेज एक्टिवेट हो गया, पहले डीएक्टिवेटेड था अब एक्टिवेटेड हो गया। अब इससे मैंने 15 को रखा एंड ओके किया, तो ये देखिए आपका। तो ये था हमारा सॉर्टिंग, फिल्टर, मूविंग, ग्रुपिंग।